इंटरमीडिएट इंग्लिश चैनल पर खुश आमदेद। ये एक एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल पर इंटरमीडिएट के इंग्लिश पेपर की मुकम्मल रहनुमाई और हेल्प वीडियोस की शक्ल में दस्तियाब हैं। हरशुदा 5 साल मारूजी पेपर्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को देखकर 90+ मार्क्स ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस ऑफ पैराग्राफ्स इंग्लिश इनटू उर्दू शॉर्ट स्टोरीज बुक 1 फर्स्ट ईयर लेसन नंबर 15 द एंजल एंड द ऑथर एंड अदर्स। ये सबक का नाम है। पैराग्राफ है आई हैड अ वैक्सिंग ड्रीम वन नाइट। एक रात मैंने परेशान कुन ख्वाब देखा। नॉट लॉन्ग अगो। ज़्यादा लंबा अरसे की बात नहीं है, यानी थोड़ा अरसा पहले। थोड़ा अरसा पहले मैंने एक परेशान कुन ख्वाब देखा। रिसेंटली, हाल ही में, थोड़ा अरसा पहले, शॉर्ट टाइम अगो। इट वॉज अबाउट फोर्टनाइट आफ्टर क्रिसमस। क्रिसमस से तकरीबन 2 हफ्ते बाद की बात है। आई ड्रीम्ड, मैंने ख्वाब देखा। आई फील यू आउट ऑफ द विंडो इन माई नाइट शर्ट। मैं अपने रात के लिबास में खिड़की से बाहर उड़ गया। आई वेंट अप एंड अप, मैं ऊपर और ऊपर होता गया। आई वॉज ग्लैड, मैं खुश था। दैट आई वॉज गोइंग अप, कि मैं ऊपर जा रहा था। दे हैव बीन नोटिसिंग मी, वो मुझे देख रहे थे, देख रहे हैं। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने सोचा। इफ़ एनी थिंग, अगर कोई भी काम। आई हैव बीन अ बिट टू गुड, मैंने कोई अच्छा किया हुआ होता। अ लिटिल लेस वर्चू, कम अज़ कम कोई छोटी नेकी। एंड आई माइट हैव लिव्ड लॉन्गर, तो मैं ज़्यादा अरसा ज़िंदा रहता। बट वन कैन नाट हैव एवरी थिंग, मगर इंसान को हर चीज़ नहीं मिल सकती। द वर्ल्ड ग्रीव समालेस्ट एंड समालेस्ट, दुनिया छोटी से छोटी तरीन होती गई। द लास्ट आई सा ऑफ लंदन, आखिर में जो लंदन के बारे में मैंने देखा वाज द लॉन्ग लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स, एक लंबी लाइन थी बिजली के बल्बों की। बॉर्डरिंग द एम्बैंकमेंट, दरिया के किनारे के गिर्द बनी हुई। लेटर नथिंग रिमेंड, बाद में कुछ भी ना रहा। बट अ फेंट ल्यूमिनिसिटी बरीड, मगर एक हल्की सी रोशनी दबी हुई। बेनीथ द डार्कनेस, तारीकी के नीचे। इट वॉज एट दिस पॉइंट ऑफ माई जर्नी, ये मेरे सफ़र का वो मकाम था। दैट आई हेयर्ड बिहाइंड मी द स्लो थ्रॉबिंग साउंड ऑफ विंग्स, जहाँ मैंने सुने अपने पीछे हल्की थरथराहट परों की आवाज़ की। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट इज़ द फर्स्ट क्रिसमस नंबर, ये पहला क्रिसमस का शुमारा है। दैट स्टार्ट्स मी ऑफ, जो मुझे तहरीक दिलाता है। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। दोज ब्यूटीफुल पिक्चर, वो प्यारी तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें। द स्वीट चाइल्ड, प्यारा प्यारी बच्ची, लुकिंग सो प्रेटी, इतनी ज़्यादा प्यारी दिखाई देती हुई इन हर फर, अपने फर के कोट में। गिविंग ब्रोवेल, शोरबा देते हुए। विद हर ओन डियर लिटिल हैंड्स, अपने छोटे प्यारे हाथों के साथ। टू दी शाइवरिंग स्ट्रीट अरब, गली के गरीब, कांपते हुए बेयार और मददगार बच्चों को। दी गुड ओल्ड रेड फेस स्केयर, नेक बूढ़ा सुर्ख चेहरे वाला नवाब। शॉवलिंग आउट प्लम पुडिंग, आलूचे का हलवा देते हुए।
टू दी क्राउड ऑफ ग्रेटफुल विलेजर्स, शुक्रगुजार देहातियों के मजमे को, इट मेक्स मी यर्न, ये मुझे मेरे अंदर ख्वाहिश पैदा करता है, इट मेक्स मी यर्न टू बारो के मैं मुस्तार लूँ, अ कलेक्टिंग बॉक्स, चंदा जमा करने वाला बॉक्स, एंड गो राउंड डूइंग वेल माई सेल्फ, और खुद नेक काम करने के लिए उधर उधर इधर उधर जाऊँ। नेक्स्ट पैराग्राफ ही अगेन इंटरप्टेड मी टू मेरा टू रिमार्क, उसने ये बताने के लिए दोबारा मेरी बात काटी, दैट व्हाट द मॉर्निंग पोस्ट मैन सेड, कि जो कुछ मॉर्निंग पोस्ट आदमी ने कहा वुड बी एंटर्ड, लिख दिया गया होगा वन वे आर दी अदर, किसी ना किसी तरह, टू द क्रिटिक ऑफ द मॉर्निंग पोस्ट, सुबह के लिखने वाले फरिश्ते ने, एंड हैड नथिंग टू डू विद मी, और उसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ऑफ कोर्स नार, यकीनन कोई ताल्लुक नहीं है, आई एग्रीड, मैं मुताफिक हुआ, एंड बिटवीन आवर सेल्व्स, और हमारे दरमियान, और आपस की बात है, हमारे दरमियान की बात है, आई डोंट थिंक, मेरा ख्याल नहीं है, दी चैरिटी गॉट वेरी मच, कि खैरात काफ़ी जमा हुई, एक्सपेंसेस व्हेन यू कम टू ऐड, अखराजा जब तुम इजाफा कर देते हो रिफ्रेशमेंट्स में, एंड वन थिंग एंड अनदर, ए फिर एक चीज़ और फिर दूसरी चीज़ में, माउंट अप, तो अखराजात बढ़ जाते हैं, एक्सपेंसेस माउंट अप, अखराजात बढ़ जाते हैं, बट आई फैंसी, मगर मेरा ख्याल है, दे रैदर लाइक्ड माई टालबूट चैम्पनीज, कि उन्होंने मेरी तालबूट चैम्पनीज कदरे पसंद की थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड इट इज़ नॉट ओनली मी, मैं कहता हूँ और सिर्फ ये मैं ही नहीं हूँ, आई शुड से, आई कंटिन्यूड, मैंने बात जारी रखी, आई डू नॉट वॉन्ट टू रन अवे विद द आइडिया, मैं इस ख्याल के साथ गलत रहनुमाई नहीं करना चाहता, दैट आई एम द ओनली गुड मैन इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में मैं अकलौता अच्छा आदमी हूँ, दैट्स वाट आई लाइक अबाउट क्रिसमस, क्रिसमस के बारे में जो चीज़ मैं पसंद करता हूँ, इट मेक्स एवरीबॉडी गुड, ये हर आदमी को अच्छा बना देता है, द लवली सेंटिमेंट वी गो अबाउट रिपीटिंग, अच्छे जज्बात जो हम बार बार दोहराते रहते हैं, द नोबल डीड्स वी डू फ्रॉम अ लिटिल बिफोर क्रिसमस अप टू, नेक काम जो हम क्रिसमस से पहले से लेकर अब तक करते रहते हैं, से उसने तस्लीम किया, दी यस ही एडमिटेड, उसने तस्लीम किया, नोबल डीड्स आर ऑलवेज अ ग्रेट जॉय फॉर मी, हाँ उसने तस्लीम किया, अच्छे अमाल मेरे लिए हमेशा बड़ी खुशी का बायस होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई आल्सो रिमेंबर्ड हिम ऑफ द फोर बालकोनी सीट्स, मैंने उसे चार बालकोनी सीट्स का भी याद दिलाया, आई हैड टेकन फॉर द मॉन्स्टर शो, जो मैंने बड़े शो के लिए लिए थे, एट हिज मैजेस्टी इज़्ज़त माब के हाँ, इन एड ऑफ द फंड फॉर द डेस्टिट्यूट ब्रिटिश, नादार बरतानवियों के फंड में मदद के लिए, इज़्ज़त माब के हाँ अज़ीम शान शो में ली थी, नाट ऑल दी सेलिब्रेटेड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अनाउंसड ऑन द पोस्टर हैड अपीयर्ड, इश्तहारात पर बताए गए तमाम मशहूर अदाकारों और अदाकाराओं में से कोई ना आया,
सेलिब्रेटेड एक्ट्रेस का मतलब है मशहूर अदाकार, एक्ट्रेसेस, अदाकाराएं, अनाउंस्ड ऑन द पोस्टर्स, जिनका ऐलान किया गया था पोस्टर पर, हैड अपीयर्ड, आने के लिए, नॉट ऑल, वो सारे के सारे हैड अपीयर्ड ना आए, बट ऑल हैड सेंट लेटर्स, मगर तमाम ने खतूत भेज दिए थे फुल ऑफ काइंडली विशेज, अच्छी ख्वाहिशात से भरे हुए, एंड द अदर्स, और दूसरे लोग, ऑल द सेलिब्रिटीज़, वन हैड नेवर हेयर्ड ऑफ, तमाम मशहूर शख्सियात जिनके बारे में किसी ने कभी ना सुना था, हैड टर्नड अप टू अ मैन, आ गए थे सारे के सारे टू अ मैन, ऑल के ऑल। स्टिल ऑन दी होल, फिर भी मजमूई तौर पर दी शो वाज वेल वर्थ दी मनी, शो में फिर भी काफ़ी रकम जमा हो गई थी। देयर वाज नथिंग टू ग्रम्बल एट, शिकायत की कोई बात ना थी। The last one paragraph, there were other noble deeds of mine, मेरे नेकी के मज़ीद काम थे, I could not remember them at the time, मैं उस वक्त इनको मुकम्मल तौर पर, in their entirety, मैं इनको मुकम्मल तौर पर याद न कर सकता था, I seemed to have done a good many, मुझे लगता था कि मैंने बहुत से अच्छे काम किए हैं, But I did not remember the rummage sale. I did remember the rummage sale. मगर मुझे पुरानी अशिया की सेल याद है, To which I sent all my old clothes, जिसमें मैंने अपने तमाम पुराने कपड़े भेज दिए, Including a coat, जिनमें एक कोट भी शामिल था, That had got mixed up with them by accident, जो इत्तफाकन उनमें शामिल हो गया था, एंड दैट आई बिलीव, और ये कि मुझे यकीन है, आई कुड हैव वर्न अगेन, मैं उसे दोबारा पहन सकता था।